Good morning, dear students. We are going to discuss a new chapter that is photosynthesis. I told you in that chapter what is photosynthesis. It is the process through which plants prepare their food in the presence of carbon dioxide and water when sunlight and chlorophyll is present. समझे? Carbon dioxide और water के साथ मिलकर sunlight और chlorophyll की presence में प्लांट अपना फूड बनाते हैं, उसको सेसिंग प्रोसेस करते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन और वाटर रिलीज भी होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जो मैंने आपके लिए लिखी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि फोटोसिंथेसिस होता है और जनरली ये डे टाइम में नहीं होता, नाइट टाइम में नहीं होता है, क्योंकि इसको लाइट चाहिए होती है, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, प्लांट अपना फूड बना लेते हैं, एनिमल उनको खाता है, तब एनिमल में एनर्जी आती है या फूड जो है इसका जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन हो गई। अब सवाल ये होता है कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है, क्या प्लेस है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहले आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझना होगा कि क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है जिसमें यह फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। देखो ध्यान से, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन है। देखो ध्यान से, स्टार्च ग्रेन पड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा है और जो फ्लूइड भरा हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये मैंने आपके लिए स्ट्रोमा लिखा था, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, साफ लिखता हूं थोड़ा। स्ट्रोमा समझे, ये फ्लूइड जो भरा होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा भरा होता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थायलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थायलाकॉइड, उसको हम थायलाकॉइड कहते हैं। जब बहुत सारे थायलाकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं तब बनता है ग्रहणा, सिंगुलर है ग्रहणा। तब क्या बनता है? जब बहुत सारे थायलाकॉइड कॉइन की तरह एक के ऊपर एक लगते हैं तब बनता है ग्रहणा। यहाँ लिखो ग्रहणा, ग्रहणा सिंगुलर है ग्रहणा, जब बहुत सारे होते हैं तो हो जाता है ग्रहणा, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सामने आया। अब ये जो एक ग्रैनम है वो दूसरे ग्रैनम से स्ट्रोमा लैमेला के थ्रू जुड़ा होता है। ये जो बीच में कनेक्शन वाला रनिंग दिख रहा है ये स्ट्रोमा लैमेला है। ये है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाई जाती है? थायलाकॉइड के अंदर, समझे। तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाई जाती है? थायलाकॉइड के अंदर पाई जाती है, जो फोटोसिंथेसिस को कैरी करती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्लोरोफिल के टाइप पढ़ते हैं, कितने तरह के क्लोरोफिल मिलते हैं। चलो देखो उसको भी। देखो क्लोरोफिल जो होते हैं वो छह तरह के होते हैं। पहले तो क्लोरोफिल ए बी सी डी ई होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई ये हो गए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये बात हमें याद रखनी है कि कितने टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल ए बी सी डी होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी हुआ। यहाँ तक हमको क्लियर हो गया क्लोरोफिल कितने टाइप के होते हैं। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, मैंने बार बार बताया कि क्लोरोफिल जब प्रेजेंट होती है तो यही लाइट को कैप्चर करती है, लाइट को कैप्चर करती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब क्लोरोफिल से बना दो फोटोसिस्टम है, पहला है फोटोसिस्टम वन, दूसरा है फोटोसिस्टम टू। हमें क्या समझना है? देखो दोनों ही फोटोसिस्टम में जो मेन मॉलिक्यूल है वो क्लोरोफिल ए है। कौन सा मॉलिक्यूल है? क्लोरोफिल ए है, ठीक है। अब ये करता क्या है फोटोसिस्टम वन या फोटोसिस्टम टू? इसमें जो क्लोरोफिल ए होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होता है? सनलाइट को लेकर के एक्टिवेट होता है। बात में याद रखना है, जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को लेकर के एक्टिवेट होता है। तो
फोटो सिस्टम वन में जिस लाइट पे क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है वो होती है 700 नैनोमीटर की लाइट। कितनी लाइट होती है? 700 नैनोमीटर की लाइट होती है, उस पे ये क्लोरोफिल जो है वो एक्टिवेट होता है। हमें ये याद रखनी है, इसीलिए फोटो सिस्टम वन का दूसरा नाम है P700, समझे? अब फोटो सिस्टम बनता कैसे? बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे से अटैच होकर के कंबाइन होकर के ये फोटो सिस्टम बनाते हैं, जिसका मुखिया होता है क्लोरोफिल ए, और वही एक्टिवेट होता है जब लाइट बढ़ती है। तो फोटो सिस्टम वन में क्या होता है, क्लोरोफिल ए जो है वो 700 नैनोमीटर लाइट पर एक्टिवेट होता है, जबकि फोटो सिस्टम टू में क्या होता है, वही क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर लाइट के ऊपर एक्टिवेट होता है। ये बहुत ही तो मेरे समझ से आपका फोटो सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा कि फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू क्या होता है, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को देखेंगे फिर से। अब डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कैसे है, कितने स्टेप में होती है, क्या रिएक्शन होते हैं, ये सब चीज़ें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो दो पार्ट में बटा है। पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन, समझे? जो लाइट रिएक्शन होता है वो लाइट रहती है तब एक्टिवेट होता है और चलता है, जबकि डार्क रिएक्शन जो होता है वो दोनों टाइम पे चलता है, ये अंतर है। अब लाइट रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्टडी सबसे पहले रॉबिन हिल ने की थी क्लोरेला के ऊपर। क्लोरेला क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर चल रहा है, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। जबकि डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम केल्विन जेंसन साइकिल भी है, केल्विन जेंसन साइकिल, ठीक है? अब धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि लाइट और डार्क रिएक्शन में होता क्या है। चलो देखते हैं लाइट रिएक्शन में क्या होता है। डार्क रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, तब डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। अब ये इसको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम से क्लियर हो गया होगा, चलो इसको रख कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, पहले लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शन में तीन चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया भी था, लाइट रिएक्शन में कौन सी तीन चीजें होती हैं समझिए। लाइट रिएक्शन में पहला होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सेकेंड होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, थर्ड क्या होता है कन्वर्जन ऑफ एनएडीपी टू एनएडीपीएच, रिडक्शन ऑफ एनएडीपी टू एनएडीपीएच, यहां तक हो गया। क्या ये आपके समझ में आया लाइट रिएक्शन में क्या होता है? अब लाइट रिएक्शन को देखो, लाइट रिएक्शन में यही तीन चीज होती है। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, इवोल्यूशन ऑफ। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं, और इस तरह से जो है एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज होती है, और उसके यूटिलाइज होने की वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, एनएडीपी का चेंज आता है, एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है। तो जरा लाइट रिएक्शन का हम डिटेल देखते हैं, ये मिटा दिया जाए तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको लाइट रिएक्शन का डिटेल देखो। देखो कैसे होता है लाइट रिएक्शन, शुरू होता है फोटोसिस्टम 2 से, जो
इधर फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर चल रहा है, लिख लो यहाँ पे वाटर ब्रेक हो रहा होता है, क्या बनाता है 2H2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ फोटो ली सकते हो, तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब लाइट जो है पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम 1-2 पे पड़ती है, इसको PS2 कहते हैं, फोटो सिस्टम 2। जब इस पे लाइट रेज पड़ती है तो फोटो सिस्टम 2 भी सिग्नली एक्टिवेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है रिलीज कर देता है और बना लेता है P6AB*। इसमें इलेक्ट्रॉन रिड्यूस है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब इस P6AB इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये क्या होगा, अनस्टेबल हो गया, तो उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ वाटर से मिल जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो यहाँ मिल जाता है। समझने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा और उसको इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है रिसीव करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे आगे की तरफ। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है न्यूक्लियोफाइल, फियोफाइटिन था, ठीक है। दूसरा है आपका प्लास्टोक्विनन, फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनन को इलेक्ट्रॉन चला गया, वहां से आगे बढ़ा, फिर किसको जाएगा, तो आगे जब बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को चला गया, उस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से आगे बढ़ता है और चला जाता है किसको, प्लास्टोसाइनिन को। अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचा है वो चला जाएगा फोटोसिस्टम 1 में, इसको P700 कहते हैं, क्या कहते हैं इसको P700। उसके बाद चला जाता है जो कि PS1 है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, लाइट पड़ी, ये भी एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, P700 स्टार टाइप का बना है, इलेक्ट्रॉन दो आगे बढ़े, वहां से ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है सल्फर आयन का कॉम्प्लेक्स है, इसको FES कहते हैं, FES से चला जाता है थर्ड ऑक्सीजन पे, फाइनली क्या हुआ वो इलेक्ट्रॉन चरण होकर के आ गए थर्ड ऑक्सीजन के पास। अब थर्ड ऑक्सीजन के बाद क्या होगा, यहाँ पे NADP पड़ा होगा, NADP रिडक्टेज एंजाइम है, समझे, NADP रिडक्टेज एंजाइम है, उसके प्रेजेंस में ये जो NADP था वो रिड्यूस हो जाता है NADPH। अभी जो मैंने आपको प्लास्टोक्विनन बताया था तो यहाँ पे एक ATP की सिंथेसिस भी होती है, यहाँ लिख लोगे ATP की सिंथेसिस। तीनों चीजें आ गई, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर आ गया, ATP की सिंथेसिस हो गई, NADPH की फॉर्मेशन हो गई। थोड़ा सा मिटाल के इसको मैं सही करता हूँ, एक्चुअल में बाहर निकल गया, तो इसको जब सही करोगे आप मिटाल के दूसरे तरह के फेरोडॉक्सिन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे NADPH रिडक्टेज एंजाइम है, लिखो यहाँ पे NADPH रिडक्टेज, हमने ये एंजाइम किया।
तरह से ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है ये लाइट रिएक्शन कहलाता है, इसमें तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। तो लाइट रिएक्शन क्लियर हो गया। अब अभी हम लोग यहीं रुकते हैं, आगे का देखेंगे अभी रुक करके थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में।